मेरे पिता को कोई दंड नहीं दे सकता। यदि तुमने मुझे रोकने का प्रयत्न किया तो गांधार और हस्तिनापुर के सेना से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। अपने पिता के जीवन की रक्षा करते अपने पूरे परिवार के जीवन को संकट में डाल दोगे। पुत्र कर्ण, वचन दो कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे जिस कारण तुम्हारी माता या भाई पर कोई संकट आए। वचन दो। ये क्या छल हुआ है मुझसे? संतान के नाम पर मांस का लोथड़ा दिया है उस गांधारी ने। अब तक मुझे भगवान पर क्रोध था कि उसने मुझे दृष्टि से वंचित रखा, किंतु आज सुख है कि मेरे नेत्र नहीं है, कि मैं उस मांस के लोथड़े को देख नहीं पाया। मेरे भाग्य ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है ताचरी। आज तक मेरी दृष्टि ने मुझे कभी पराजित नहीं किया, किंतु आज मैं अपने भाग्य से पराजित हो गया हूं ताचरी। आपने सदैव मुझे शिक्षा दी है ताचरी कि जब तक हृदय का बल है तब तक कोई भी संघर्ष बड़ा नहीं है, किंतु आज मेरे हृदय का बल ही टूट चुका है, टूट चुका है। नहीं नहीं पुत्र, जीवन की घटनाओं से हृदय का बल नहीं टूटता, मन का छल टूटता है। बुद्धि मार्ग को आधार बनाती है, किंतु हृदय अपने चरणों के साहस पर विश्वास रखता है। वो जानता है कि मार्ग निश्चित नहीं है, दिशा निश्चित है। अगर एक मार्ग अविरुद्ध हो तो दूसरे मार्ग का निर्माण करता है। नहीं ताचरी, अब मेरे चरणों में वो शक्ति नहीं, मेरे स्वप्नों को पूरा करने का मेरे पास कोई और मार्ग नहीं है ताचरी। कोई तो उपाय होगा ताचरी, कोई तो उपाय बताइए ताचरी। आज आपके पुत्र को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है।
पुत्र ने अपने मार्ग पर अपनी प्रतिज्ञा का बंधन टाल दिया हो, उस पुत्र को ये माँ क्या मार्गदर्शन देगी? उसी प्रतिज्ञा पर किसी भी स्थिति में अटल रहने का मार्गदर्शन। क्या ऐसी कोई स्थिति हस्तिनापुर में उत्पन्न हुई है पुत्र? धृतराष्ट्र का दुख मेरे हृदय की पीड़ा है माता। उसने गांधारी के 100 पुत्रों के वरदान को अपना स्वप्न बना लिया है। एक मांस के लोथड़े से उसका स्वप्न पूर्ण किस प्रकार होगा? किंतु पुत्र, क्या गांधारी के गर्भ से 100 संतानों की अपेक्षा करना एक भूल नहीं थी? किस प्रकार एक स्त्री एक जीवन काल में 100 संतानों को जन्म दे सकती है? महादेव का वरदान किस प्रकार विफल हो सकता? वरदान कभी विफल नहीं हो सकता, किंतु मनुष्य की अपेक्षा से वो अलग हो सकता है। गांधारी को 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो सकता है, किंतु किस प्रकार माते? एक मांस के पिंड को जन्म दिया है गांधारी ने। नहीं पुत्र, उसने 100 संतानों के गर्भ बीज को जन्म दिया है। अर्थात धृतराष्ट्र की 100 संतानें बीज स्वरूप जन्म ले चुकी हैं। अब उन्हें मानव का रूप देना होगा और ये कार्य इस पृथ्वी पर केवल महामुनि व्यास ही कर सकते हैं। यदि कल सूर्योदय तक महामुनि हस्तिनापुर जाकर उस पिंड को अपना आशीर्वाद दें, तो धृतराष्ट्र की 100 संतानें जन्म लेंगी। अन्यथा पितृत्व का सुख उसके भाग्य में नहीं। धैर्य रखो पुत्र, महामुनि व्यास गांधारी के 100 पुत्रों को जीवन अवश्य देंगे। मैं स्वयं जाकर उन्हें तपस्या भंग करने का अनुरोध करूंगा और प्रातःकाल से पूर्व उन्हें हस्तिनापुर लाने का संपूर्ण प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न करने वाला सफल नहीं होता महामहिम, करने वाला ही सफल होता है। जल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाला नदी और झरने ढूंढता है, और जल के लिए जो हट करता है वो कुआं खोदता है महामहिम, कुआं। और आपको कोई अंतर नहीं पड़ता मेरी बहन की संतान जिए या नहीं। आपके मृत्यु के बाद पिंडदान करने वाला तो जन्म ले चुका है महामहिम। महाराज पांडु के घर में हैं? धृतराष्ट्र के प्रति मेरे प्रेम पर संदेह है आपको गंधार राज? कदापि नहीं महामहिम। जिसने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली हो उसके हृदय की भावनाओं पर संदेह कैसे कर सकता हूं? किंतु यहां इस समय प्रेम का होना पर्याप्त नहीं, उन्माद की आवश्यकता है महामहिम, उन्माद की। उन्माद का अर्थ जानते हैं ना आप? जिसे रात और दिन का भेद दिखाई ना दे, जिसे सत्य असत्य सार असार
उचित अनुचित का विस्मरण हो जाए। उसे कहते हैं उन्माद, जो आज मेरे अंतर में है। इसीलिए शकुनी स्वयं महामुनि की खोज करने जाएगा। महामहिम, शकुनी यथार्थ कह रहा है ताच्छ्री। आप सदा ही धर्म के मार्ग पर चले, किंतु इस समय धर्म का नहीं परिणाम का महत्व है। अपनी बहन के प्राण, अपना सम्मान और गांधार की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु शकुनी अधिक प्रयत्न करेगा। मेरा आदेश है, शकुनी जाएगा महामुनि को ढूंढने हेतु। आप सबसे अधिक बलवान योद्धा समस्त सेना में नहीं है, इसी कारणवश मैंने आपको इस कार्य के लिए नियुक्त किया है। आप सब गंधार राज के संग महामुनि को ढूंढने जाएंगे। स्मरण रहे, महामुनि तक जाने वाला मार्ग अत्यंत निकट है। गंधार राज शकुनी के सामर्थ्य पर मुझे विश्वास नहीं, इसलिए उनकी रक्षा का भार आप पर है। यदि वो अपने कार्य में सफल होते हैं तो संपूर्ण हस्तिनापुर पर आने वाला संकट टल जाए। प्रातः काल से पूर्व महामुनि को हस्तिनापुर ले आते हैं तो आप में से प्रत्येक को धन धान्य या भूमि देकर संतुष्ट किया जाए। जो मांगोगे दिया जाएगा। क्या जीवन दान मांगने पर वो भी दिया जाएगा महोदय? तुम्हें यहाँ आने की अनुमति किसने दी? पिता के प्राणों की रक्षा करने का समय आता है तो प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। उत्तर दीजिए महोदय, वास्तव में जो मांगा जाएगा आपको देंगे मुझे? किंतु केवल सैनिकों को। अगर मैं इनसे पहले लेकर आऊंगा तो? सुनो बालक, ये किसी प्रकार का खेल नहीं। जानता हूँ, और मेरे पास भी खेल खेलने का समय नहीं है महोदय। मैं अवश्य अपने पिताश्री की रक्षा करूंगा। Thank you.
दत्ताश्री कह रहे थे कि महामुनि व्यास की गुफा में हर पद पर मृत्यु का संकट रहता है। मृत्यु का भय नहीं मित्र, मुझे महामुनि व्यास को महारानी गांधारी तक पहुंचाना है। महामहिम ने कहा है कि जो ये कार्य करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मैं इनाम में पिताश्री का जीवन मांग लूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। तुम्हारा ये विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल बने। किंतु भ्रातागण, बदीराम में आप महामुनि व्यास को किस प्रकार ढूंढेंगे? भगवान सूर्य नारायण मेरा मार्गदर्शन करेंगे। बद्रीधाम का मार्ग लंबा है। सावधानी से चलिए गंगराज, महामुनि व्यास ने इस मार्ग को बहुत कठिन बनाया है। कठिन? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ती कठिनाई। इतना सरल मार्ग तो राजनगरी में नहीं होता। केवल बातें फैलाई है बातें महामहिम भीष्म ने। क्या कर रहे? वही जो आप करें। मैं महामुनि को हस्तिनापुर ले जाऊंगा। तुम करोगे वो कार्य?
जानते नहीं ये मार्ग अत्यंत कठिन है? अब जानते हैं कि मार्ग कठिन है। आओ। फिर तो ये कार्य आपसे हो ही नहीं पाएगा। जो कठिनाई नहीं जानता वही कठिनाइयों से पार उतरता है, ऐसा मेरे ताऊ ने कहा था। बड़े बातूनी हो बालक, किंतु ये बालकों का खेल नहीं। उत्तम, क्योंकि खेल खेलने का समय मेरे पास भी नहीं है महोदय, क्योंकि मुझे पिताश्री की रक्षा करने हेतु महामुनि व्यास को महारानी गांधारी तक पहुंचाना है।